अब्बू कहे डॉक्टर बन, अम्मी कहे इंजीनियर बन, दादा कहे बैंकर बन, नानी कहे टॉपर बन, खाला कहे मेरी बहू बन। बन 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 बड़ा बन बड़ा बन, बन 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 बड़ा बन बड़ा बन। अपना जहाज उड़ाना, हीरो बन जाना, फैशन की दुनिया में छाना, कैम्ब्रिज पढ़ने जाना, हो अपना एक दीवान खाना। We are five chilies. इतनी देर लगा दी तुमने आने में। देर के बच्चे, तूने तो उस निकू के भी 3,000 रुपए मारे हुए थे, आधा घंटा लग गया उस सब बहस करने में। ओ यार वो छोड़ो, तुम बर्गर दो मुझे, 3,000 सूद समेत वापस कर दूंगा निकू को, क्या याद रखेगा वो भी। सेठ बना दूंगा उसको, सेठ सेठ, यू नो। लो जी, एक और शेख चिल्ली का इजाफा हो गया। अब क्या हुआ है? इतना बड़ा कैफे खोल के बैठ गए ना, जरा सर्व करने की तमीज भी सीख लो। हटो, आओ केटी मेरे साथ। ये क्या कर रही हो? वैसे ना है बहुत मजे का। शर्म करो, छुरी पकड़ो ये। बराहे करम ये छुरी मत पकड़ाइएगा, बर्गर खा लिया तो कहीं छुरी चला ना दे। और मिर्जे चुपचाप अपनी शायरी करो, ना इसी छुरी से तुम्हारी मछलियां जीव कर दूंगी, फिर रोते फिरोगे। निंडा मेरी शायरी अधूरी रह गई। अब ले जाए इसे। ये ले मार, ले जा। क्या ले जा? मेरा दिमाग खराब नहीं है जो वेटर बन के बर्गर लेके जाऊं? यार वेटर बनने में क्या बुराई है? वेटर बनने में नहीं, थप्पड़ खाने में। तुम जाओ जाके थप्पड़ खाओ। यार वेटर बनने में भी कोई बुराई नहीं है तो ना ही थप्पड़ खाने में। सीधी सी बात है, मैं उसके सामने जा चुका हूँ। करोड़ों का कैफे, 100 के हिसाब से बंदा काम करता है, अब वो क्या कहेगा? एक ही बंदा बार बार आए जा रहा है। हाँ हाँ, बड़ा टॉप का कैफे है ना हमारा। इस बहस को छोड़ो, ये डिसाइड करो कि बर्गर लेकर कौन जाएगा। हाँ मिर्जा बहुत सूट करते इस काम के लिए। हाय इसको तो सूट भी बहुत सूट करता है, वेटर ने भी ऐसे ही सूट पहना होता है ना। खुर्शीद ताहिर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपने लिबास की तौहीन नहीं। चुप केती, पता है ना वो अपने कपड़ों के मामले में कितना टची है।
अरे अरे मिर्जा साहेब, किटी का कहने का ये मतलब नहीं था। उसका मतलब था कि आप अपने लिबास में बड़े नफीस लगते हैं। पर्सनैलिटी है आपकी, हमारे कपड़े देखें और अपने कपड़े देखें, असल मालिक तो आप लगते हैं। हमारी इज्जत की खातिर प्लीज चले जाइए। अरे मिर्जा मेरी जान, ये सब एक तरफ, लेकिन तुम तो एक अजीम शायर हो, एक हसास शायर। अब मेरी भी मजबूरी का कुछ एहसास करो ना। देखो इंसान बड़ा शायर तभी बनता है ना जब चोट खाए। अरे हकीम साहेब, वो तो दिल की चोट होती है, यहाँ तो ऐसे थप्पड़ असीब होने हैं कि शायरी तो दूर की बात, नसर भी बोलने के काबिल नहीं रहूंगा। मान जाओ ना यार, प्लीज चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे शायर होने का वास्ता, प्लीज चले जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। आप हमारी हसासियत का बड़ा गलत फायदा उठाते हैं, आपकी ऐसी लाचार और मजबूर सूरत हमसे देखी नहीं जाती। लाइए, क्या लेकर जाना है? ये वहां क्यों खड़े है? आगे क्यों नहीं जा रहा? हेलो, ये तो मरवाए गॉज। केटी, अगर ये ना गया ना तो तुम जाओगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कौन हो तुम? डरा दिया यार। वेटर हो गए? वेटर? लेकिन आपको कैसे अंदाजा हुआ? तुम्हारे हुलिये से। और क्या? और मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया भैया अभी तक? आ तो गया है जनाब। कहाँ है? आपके खुले अखबार के ऐन नीचे। ये कब आया? जब आप अपने मुताले में मगन थे। और हाँ, मैं चलता हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ आवाज मत दीजिएगा। बराहे करम किसी के आने का इंतजार फरमाइएगा। ओए मिर्ज़े, ये क्या कर रहा था तू? देखिए जनाब, सीधी सी बात है,
हमारे अंदर अपने गाले नाजुक पर थप्पड़ खाने की बिल्कुल सकत नहीं। तो जो हिकमत अमली समझ में आई हमने कर डाली। हाय अल्लाह, अगर इसको निक्के का बर्गर लड़ गया ना तो इसने ही हम सबको निक्का बना देना है। तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अगर इससे कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे? अच्छे की उम्मीद रखो, सब अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी। लो जी, पह गया है काम। चल मिर्जे, चल तू जा, शाबाश। हमसे अब इतनी भी नेकी की उम्मीद मत रखिए। हम जब जल्लाद बनने पर आते हैं तो खोपड़ियों के मीनार बना डालते हैं। तो ठीक है, उगंदा पुगंदा कर लेते हैं। कोई भी नहीं पुगेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स तुमने क्रिएट की हैं, अब तुम ही निपटो जाकर। लेकिन ना, ठीक काम उम्मीद है, अब तुम ही जाओगे। केटी विल नॉट गो। हाँ तो ना जाओ, वैसे भी जिब्रान द पायलट को आदत खतरों से खेलने की। जी जी, शौक से जाइए, आपको खिलाने के लिए बैठा है। जी सर, आपने बुलाया? हाँ, ये बर्गर किसने बनाया? वो सर शेफ ने बनाया है। शेफ को बुलाइए जरा। शेफ को? लेकिन सर सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, आप बुलाइए उसे। सर मैं ही शेफ हूँ, मैं ही हूँ। आप? जी सर। मैंने पूरी दुनिया घूमी, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, हर जगह से मैंने बर्गर खाए, मगर इस जैसा लजीज बर्गर मैंने नहीं खाया। भाई वाह, सुभान अल्लाह, दिल करता है कि इन हाथों को चूम लूं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बहुत जायका दिया आपके हाथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये आपका इनाम है, बिल अलहदा से दूंगा। ये बिल के हुए और ये टिप के। मैं चलता हूं, दोबारा आऊंगा क्योंकि और भी बड़ा कुछ ट्राई करना है। सिरी बोंग पाए। सोलह सौ का बिल, 1000 की टिप, 5000 का इनाम, तो टोटल कितना हुआ माय मोमी? 7600। 7600। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी माय डियर अमारदी सुपरस्टार? सिर्फ 120 रुपए। 120 रुपए निकाल कर नेट प्रॉफिट कितना हुआ जनाब खास मिर्जा असदुल्ला तालिब साहेब? हकीम साहेब, हमारी शायरी में तो मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला आया नहीं। हाँ अलबत्ता जदीद दौर की शायरी में आया हो तो पता नहीं, मैं जरा हिसाब लगा के बताता हूँ। अब मिर्जा साहेब, आप क्यों अपने शायराना जहन को मैथमेटिक्स के फार्मूलों में उलझा रहे हैं? मैं हूँ ना आपका भाई जुबरान द पायलट। तो नेट प्रॉफिट हुआ 7600
80 रुपये, 7,680। तो केटी, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ हमें? 100%। टेंशन नॉट केटी, मैं बताता हूं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1,000 नहीं, बल्कि 6,000% का प्रॉफिट हुआ है हमें। 6,000%? हाँ, 6,000%, वो भी सिर्फ 120 के इन्वेस्टमेंट पर। इतना प्रॉफिट तो बिल गेट्स को भी अपनी पहली डील पर नहीं हुआ होगा। सोचो, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 की डील पर 6,000% का प्रॉफिट कितना बना? करोड़ों रुपए। फिर होगा मम्मी तुम्हारा सैलून। मिर्जा साहिब, आपका दीवान खाना, केटी तुम्हारा कैम्ब्रिज, अमार तुम सुपरस्टार, और तुम सबका भाई जिब्रान द पायलट अपने जहाज का। क्या है यार, तू कमाल, क्या है? निको, ये अपना निको है? इधर देख रहा है, निकल। किताबें उर्दू में थी, मगर यहाँ तो सारी किताबें अंग्रेजी में है। मैं कैसे कैम्ब्रिज जाऊंगी? ये मछलियाँ थोड़ी है, ये तो तखयल की फिजा में उड़ते हुए परिंदे हैं। मुझे पता चल सकता है कि वो हैकल और जैकल कहाँ हैं? अंग्रेजी से फारिक आदमी उर्दू मीडियम क्या जाने हैकल और जैकल, ये अमार और जिब्रान का पूछ रही है। इस हाथ ने सारी जिंदगी अंडा टिक्की बर्गर लगाए हैं, और ये हाथ जिसके मुंह पे पड़ जाए ना, वो सीधा कबड़ टिक्की हो जाता है। निकू आए। ए कौन है? निकी जी। निके नू निकी ना मारे ते निका नहीं मरदा। निकू आए। ओ बाजी, इटी लग दी है। ठीक है, ओ डांट करो,